पॉजिटिव हुए सीएम योगी, लेकिन इसके बावजूद उनका एक्शन कम नहीं हो रहा। होम आइसोलेशन में भी योगी ताबड़तोड़ एक्शन में हैं। दरअसल यूपी में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है, चाहे आम हो या खास, सब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। आज प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। एक दिन पहले ही हाईकोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को लॉकडाउन लगाए जाने का सुझाव दिया था। वीवीआईपी के चपेट में आने के साथ ही संक्रमण की तेज दर के मद्देनजर लॉकडाउन लगाए जाने की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। प्रदेश के कई जिलों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन जैसे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि पहले सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन अब जब वो खुद संक्रमित हो गए हैं तो स्थिति बदल सकती है। उन्होंने हाल ही में कहा था कि उन्हें प्रदेश में लोगों की जान भी बचानी है और आजीविका को भी बचाना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को 2-3 हफ्ते की पूर्ण लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी थी। कोरोना मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि नाइट या कोरोना कर्फ्यू संक्रमण फैलाने रोकने के छोटे कदम है। लॉकडाउन लगाना सही नहीं है, लेकिन जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है उसे देखते हुए सरकार को ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में लॉकडाउन पर विचार करना चाहिए। अब खबरें आ रही है कि यूपी में हर सप्ताह शनिवार व रविवार को होने वाले लॉकडाउन के लिए यूपी सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। ये लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। इसी दौरान सभी बाजार, मॉल व दफ्तर बंद रहेंगे। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को घरों से बाहर निकलने पर आई कार्ड दिखाना होगा। इसके साथ ही जब प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिला तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को गुजरात के अहमदाबाद से तत्काल 25,000 इंजेक्शन खरीदने के आदेश दे दिए। मुख्यमंत्री योगी के आदेशानुसार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी राजकीय वायुयान से ही अहमदाबाद से रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने जा रहे हैं और यह आदेश सीएम योगी ने होम आइसोलेशन में ही दिए। कोविड मरीजों को बेड उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार लगातार नई रणनीति अपना रही है। सरकारी अस्पतालों में बेड बढ़ाने, निजी अस्पतालों को टेक ओवर करने के बाद अब लक्षण खत्म होते ही मरीजों को होम आइसोलेशन में भेजने की तैयारी है। इसके लिए नया प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है। इसमें कम मैन पावर में ज्यादा मरीजों को इलाज मिल सकेगा। सप्ताह भर के अंदर इसे जारी कर दिया जाएगा। अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों को डिस्चार्ज करने के लिए प्रोटोकॉल बना है। इसके तहत बिना लक्षण वाले मरीजों को 7 से 10 दिन बाद डिस्चार्ज किया जाता है। लक्षण वाले मरीज को भी सभी लक्षण खत्म होने के बाद 7 दिन बाद अथवा आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसमें भी बदलाव किया जा रहा है। नई रणनीति में बिना लक्षण वालों को होम आइसोलेशन में रखने की तैयारी है। जो लोग विभिन्न गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कर जांच की जाएगी। ऑक्सीजन लेवल सहित अन्य मानक में सुधार मिलने पर दूसरे दिन ही डिस्चार्ज किया जा सकेगा। जिन लोगों को लक्षण है, भर्ती करने के बाद अगर उनमें 3 से 4 दिन में लक्षण खत्म हो जाते हैं तो उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। ऐसे मरीजों के लिए होम आइसोलेशन का वक्त 14 दिन से बढ़ाकर 21 दिन किया जा सकता है। ऐसे में सीएम योगी पूरी तरह से एक्शन में हैं। कोरोना का बढ़ता संक्रमण योगी सरकार के लिए चिंता की बात जरूर है, लेकिन उनके कामों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके एक्शन ऐसे ही ताबड़तोड़ चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि जनता को बचाना भी है और आजीविका को भी बचाना है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।